नमस्कार, ईवी टेक्लोवर फैमिली और इस चैनल के द्वारा चलाई जा रही मुहिम हर घर एक ईवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी ईवी के साथ पौड़ी में आया हूं और ईवी को देख के लोगों का जो रिएक्शन है वो आप देखेंगे, बड़े आश्चर्यचकित हुए लोग। अपनी ईवी से मैं धारा रोड से बुचड़ गली, उसके बाद कांडाई गाँव की उतराई पर जाऊँगा, फिर उस चढ़ाई पर वापस आऊँगा और फिर वापस मैं श्रीनगर की तरफ जाऊँगा। और इस दौरान बहुत सारे इंटरेस्टिंग घटनाक्रम होते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा देखेगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखेगा। यह है धारा रोड, यहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं इस समय, ये है धारा रोड पौड़ी, ये देखेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे पर नगर पालिका है और ये सामने कलेक्ट्रेट भी है, लेकिन मुझे जाना है इस रास्ते संकरी गली से, संकरी गली होते हैं, ये देखेंगे। और ये बुचड़ गली के संकरे रास्तों में कई सालों बाद आ रहा हूँ दोस्तों, मैं इस रास्ते पे करीब 18-20 साल के बाद। ये बुचड़ गली के अंदर शायद ये पहली ईवी आ रही है दोस्तों, ये पौड़ी बुचड़ गली के अंदर से ये हम निकल रहे हैं। देखिए, ये है पौड़ी की असली जो पुरानी वाली जो हमारी जानने वाली जो बुचड़ गली है, ये भी है दोस्तों। देखिएगा, ये पहली बार कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद यहाँ पे आ रहा है, ये देखिएगा। और यहीं पे मुझे याद है कि यहाँ पर सुंदी भाई मनु बहुत बढ़िया बजाओ कजाओ, ये मेरे मित्र थे सुंदी कुकरेती, ये देखिए। और ये है दोस्तों ओरिजिनल बुचड़ गली, जो वहाँ से शायद मेरे को कांडाई गांव के लिए अब नीचे उतरना पड़ेगा, ये देखिए। देख रहे हैं ये हालत, ये है बुचड़ गली, ये देखिए। और यहाँ से ये उतना भी चढ़ाई को भी चढ़ना है दोस्तों मैंने, लेकिन मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिएगा। और यहीं पर शायद कहीं पाँच छः मकान के बाद बता रहे थे यहीं पर हमारे चमोली जी रहते हैं कहीं। दोस्तों, इस वक्त मैं कांडाई गांव से ये बुचड़ गली की ख़तरनाक चढ़ाई है उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे मैं भी थोड़ी देर पहले उतरा था। मैं नॉर्मल मोड में हूँ देखो, और नॉर्मल मोड में देखते हैं कि गाड़ी चढ़ पाती है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक चढ़ाई है नगर पालिका, यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल मोड में चढ़ा हूँ दोस्तों। और गाड़ी देखिए नॉर्मल मोड में ही आराम से चल गई है, देखिएगा बहुत ही आराम से यहाँ पे ये गाड़ी चल गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये देखें। और ये बुचड़ गली में हम दोबारा से प्रवेश कर गए हैं, वापस जा रहा हूँ मैं अपने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि पौड़ी में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे दोस्त हैं इमरान भाई। तो भाई साहब, आपने यहाँ कभी पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा? वर्तमान में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं आई यहाँ पर, कोई आपने पहली बार इसका जो शुभारंभ किया? अच्छा 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 हाँ, तो मैं तो आ रखा हूँ दोस्त, सेट करते हैं आप लोगों को, आपकी परंपरा पे चलते हैं। हाँ, तो इसका मकसद भाई साहब मेरा ये है कि अधिक से अधिक लोग अगर इसको अपनाएं, सीधी सी बात है कि जब हम पौड़ी से आते हैं ना, यहाँ श्रीनगर से जहाँ पौड़ी आते हैं, तो पौड़ी यहाँ आना जाना ये लगा लो, अगर आप बाइक में भी आते हैं तो कभी करीब करीब आपका लगभग 250-300 रुपए का तेल लग ही जाता है, 200 का तो वरना लग ही जाता है। और ये मुश्किल से आती है आपकी, इसमें लगती है दो यूनिट बिजली, अगर 4 रुपये यूनिट भी होगी तो 8 रुपये या 9 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। और हाँ बिल्कुल, और साथ में प्रदूषण रही थे बिल्कुल। चलो चला जाए फिर, ठीक है भाई। यहाँ पर ये चढ़ाई होने के बावजूद भी देखिए, ये पौड़ी के में बिल्कुल कलेक्ट्रेट के पास, ये न्यू कलेक्ट्रेट है, वो पुराना कलेक्ट्रेट है देखिएगा। और यहाँ पे पौड़ी कलेक्ट्रेट और ये धारा रोड पे आ गए हैं। और यहाँ पे अब खरीदिए आगे दोस्तों जलेबी, जलेबी नहीं भाई साहब,
जलेबी आ जाएगी जी, आ जाएगी बनी जलेबी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा एक किलो का दिया, क्या बहुत है ना, 200 रुपये किलो कर दीजिए। ये देखिएगा दोस्तों, अभी तक 54% बैटरी अभी रिमेनिंग है, और 30 किलोमीटर का हम सफ़र कर चुके हैं, और 34 किलोमीटर में हमारी लगभग 44% बैटरी कंज्यूम हुई है। आप उतराइए देखिएगा कमाल आप। अब यहाँ से हम उतरेंगे और ये उतराई में कमाल देखिएगा आप, यहाँ से उतराई का कमाल देखिएगा आप। यहाँ पे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर मेरी ईवी को देख रहे हैं, और ये हमारे दोस्त हैं पिंटू धसवाना। और बढ़िया, अरे बस बढ़िया। आज यहाँ तक आए थे पिनोज चमोली के पास तक। अच्छा, अरे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए हूँ ना। अरे वाह। हाँ, हमने कहा जरा पौड़ी के लोगों को भी दिखाएं यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते वहाँ पर पौड़ी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। वैसे पहाड़ में बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन जब भी जो लोग देखते हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये 54% बैटरी, और आप कमाल देखिएगा आप उतराई में। उतराई में गाड़ी रिजेन के थ्रू बहुत ही कम, अभी 54% बैटरी रिमेनिंग है, और आप देखेंगे कि ये नीचे उतरते उतरते बढ़ भी जाएगी कुछ, और जब हम नीचे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा सफ़र करने के बाद हमारे पास कितनी परसेंट बैटरी बची रहती है। तो फिलहाल मैं अभी नॉर्मल मोड में ही चल रहा हूँ, लेकिन रिजेन दोनों में होगा, नॉर्मल मोड में भी होगा और इसमें भी होगा, इको मोड में भी होगा। चलो देखा जाए। यहाँ पर अब मैं दोस्तों पौड़ी से काम करने के बाद मैं तुरंत ही वापस निकल गया हूँ श्रीनगर की तरफ। अब देखते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चलती है। मौसम ख़राब होने वाला है, कभी भी बारिश आ सकती है, और मैंने अपना इंतज़ाम खैर कर रखा है। ये देखिए, ये मेरा पोंचो है मेरे पास, और ये कवर हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में हूँ तो टांगे भीगने का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर मैं अब खाना ऐसी सी देखिए, 54% ही बैटरी है, और हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं, कोई भी बैटरी का कंजप्शन नहीं हुआ दोस्तों, कोई भी कंजप्शन नहीं हुआ, ये रिजेन का कमाल है। ये दोस्तों मैं गडोली के पास पहुंच गया हूं, और ये देखिएगा, ये बैठने के लिए ये लोगों के लिए बहुत अच्छा बना रखा है। देखो नगर पालिका पौड़ी ने, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर दोस्तों अभी मैं पीछे, मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, दो बच्चे हैं शायद उसमें, दो लड़के हैं, वो अभी बात कर रहे हैं शायद, मैं आपको पीछे से आ रहे हैं, न्यूट्रल आ रहे हैं स्कूटर में, तो वो बोल रहे हैं कि गाड़ी क्या स्टार्ट है। उनको ये लग रहा है कि ईवी भी न्यूट्रल ही चल रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईवी चढ़ाई में भी न्यूट्रल ही चलती है बिना आवाज़ के। न्यूट्रल से मतलब उनका बिना आवाज़ से। ये देखिएगा, ये खूबसूरत दृश्य देखिए, ये खूबसूरत दृश्य, ये श्रीनगर वैली का नीचे की तरफ, और ये आ गया पूरा गडोली का एरिया दोस्तों, पूरा का पूरा गडोली का एरिया, बहुत ही खूबसूरत हो रही। ये सामने ये पूरा जो पहाड़ है, इसको चौफिन स्टेट बोला जाता है, ये कोई चौफिन है, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे उनको ये पूरे की पूरी लैंड उनको दी गई थी। ये पूरा जो गडोली का इलाका है, यहाँ पे क्रिश्चियंस काफ़ी रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, खूब हरा भरा है, बहुत ही सुंदर। और मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं पौड़ी से 5 किलोमीटर आ गया हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये 54% ही अभी बैटरी, और यहाँ पे देखिएगा वहाँ पर 241 था, 15241, अभी 15246, मतलब 5 किलोमीटर में उतर गया हूँ, लेकिन 1% बैटरी अभी कंज्यूम नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, यही बच्चे थे वो।
जो अभी पूछ रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट है क्या। ये दोस्तों इस समय देखिए 54% बैटरी है, मैंने मोड में भी डाल दिया गाड़ी, आप देखिए आवाज़ आई गाड़ी, ये विंटेज मोड है। जब मैं अगर आप ये देख पा रहे होंगे, इन बच्चों ने कहा कि थोड़ा आवाज़ सुनानी है, तो मैंने गाने भी चलाए इसमें, और यहाँ पर मैं पौड़ी से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे आ गया हूँ। उस समय देखिए 54% बैटरी थी, और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखिए 56% बैटरी हो गई, 2% रिजन हो गया, मतलब इसमें हमें 17% का फ़ायदा हो गया। 15% तो जो हम 15 किलोमीटर आए हैं, और 2% एक्स्ट्रा हमको चार्ज मिल गया है ये देखिए। और इस समय हम ये मरगदना के आसपास हैं, हम ये इस वक्त मैं पौड़ी से अपने घर के पास वापस पहुंच गया हूं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस समय देखिए ये टाइम हो रहा है, यहां तक का टाइम देख रहे हैं 1:49, और ये देखिए यहां पे आप देखें 49% बैटरी रह गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा, आज ये देखिए 49% ये बैटरी है, देख रहे हैं आप 49% बैटरी आप यहां देख रहे हैं। 66 किलोमीटर की डिस्टेंस तय हुई है, एवरेज स्पीड रही है 26 की, और टॉप स्पीड 80 की। दोस्तों मैंने 80, मेरे साथ कुछ बच्चे आए थे तो उनके साथ मैंने ये 80 की स्पीड दिखाई थी, इसलिए बैटरी का कंजेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। और 66 किलोमीटर चलने के लिए जब हम चले थे सुबह, तो उस समय जो बैटरी थी दोस्तों वो थी 98%, चलो चलते चलते बात करते हैं, 98% बैटरी थी। और अभी 1 किलोमीटर मुझे और चलना है, तो ये लगा दीजिए अगर हम 66 मान के भी चलें, 66 किलोमीटर की हमने दूरी तय की है, तो करीब ये लगा लीजिए कि 49% ही बैटरी हमने कंज्यूम की है करीब 66 किलोमीटर चलने के लिए। जबकि दोस्तों वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और साथ ही जो दोस्तों अगला वीडियो आएगा, ये जो दो बालक आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये मेरे साथ पौड़ी से श्रीनगर तक आए थे, और एक बहुत ही अलग किस्म का दिलचस्प घटनाक्रम हुआ जिसमें मेरी इनसे बातचीत हुई, लगभग ये समझिए कि इनका इंटरव्यू जैसा हो। और उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप ठीक इससे अगला वाला वीडियो होगा उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।